नमस्कार, मैं अशोक व्यास, कार्यक्रम इनसाइट में अशोक व्यास में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि बहुत जल्दी हम सब मिलकर भारत के स्वाधीनता दिवस को विधिवत मनाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में, न्यूजर्सी में इंडिया डे परेड्स के द्वारा ऑलरेडी हो चुकी है। 15 अगस्त का दिन हमारे पास आने वाला है और 15 अगस्त की तरफ बढ़ते हुए हमने दो विशेष कार्यक्रम आपके लिए जो संजोए हैं, उसमें से एक परिचर्चा आज और एक कल होने वाली है। और दोनों ही कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि हैं, जिनका एक तरफ हम ये कहें कि संबंध विद्वता के साथ है, दलित राजनीति के साथ है, दूसरी तरफ एक सज्जन ऐसे हैं जिनका संबंध डिजिटल रणनीति के साथ है। और विस्तार से परिचय आपका करवाएं, उससे पहले स्वागत करने का अवसर लूं विजय शंकर शास्त्री जी। धन्यवाद विजय जी। आपकी मुस्कान के साथ हमारे दर्शकों को याद आ रहा होगा, भारत के कई चैनल से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के रूप में आपने एक प्रकार का रण और जो लोहा लिया है अपने विपक्षी साथियों के साथ, उसकी थोड़ी सी वानगी हमारे दर्शकों तक आज शायद न पहुंचे, क्योंकि हम सीधे सीधे आपसे बात करने वाले हैं। और किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हैं डिजिटल दुनिया से निकले हुए हमारे युवा उद्यमी, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे राजन गंगवाल जी से। राजन जी, आपका स्वागत है। और राजन जी के बारे में ये बात मुझे कहने का आनंद, रोहित जी को मैंने राजन कह दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं ये बात कहने का आनंद लेना चाहता हूँ कि 2010 में जब हम में से बहुत कम लोग शायद ऐसे रहे, शायद कोई नवी राव जिन्होंने सोचा हो कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आने वाले, इन्होंने मोदी फॉर पीएम नाम की एक वेबसाइट लॉन्च कर दी और चालू कर दी, तो शास्त्री जी हमारे बीच में इतना सारा ज्ञान और कई उनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण आई हैं, उनकी तरफ भी हम चलेंगे। और आज हमने बातचीत का विषय थोड़ा यूँ रख लिया कि पॉलिटिकली करेक्ट और इमोशनली करेक्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है। और हम भारतीय राजनीति के दरवाजे से जब बढ़ते हैं तो बार बार हम सुनते रहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट होना है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। तो मैं पॉलिटिकली या अपने कार्यक्रम के लिए करेक्ट होते हुए, जब आप स्पोक्स पर्सन होते हैं बीजेपी के और आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में जो SC ST कमीशन है उसके चेयरमैन आप रहे हुए हैं, तो आपको पता है कि मेरी पार्टी का ये स्टैंड है। तो पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब जो भी पार्टी की लाइन है आपको उसके अनुसार बोलना है, आपका दिल उससे अलग कह रहा हो तो आप क्या करते हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का इसलिए सवाल नहीं उठता क्योंकि वो राष्ट्रीय हित में ही है। वैसे तो सभी पार्टियाँ ये क्लेम करती हैं कि हमारा जो भी सिद्धांत है, हमारे पार्टी का जो भी लाइन है, वो समाज हित में है, देश हित में है, पर कहीं बिल्कुल ये बात स्पष्ट होती है कि क्या उनके सिद्धांत वास्तव में देश हित में है। उनके निर्णय देख लीजिए, उनके कार्यकाल, उनके सुशासन देख लीजिए, जिसको वो सुशासन कहते हैं, उससे स्पष्ट ये पता चल जाता है कि उनकी लाइन क्या है और उनके जुबान पर क्या है, कथनी और करनी में अंतर। 60 सालों तक कांग्रेस ने देश में शासन किया। अशोक जी, सच्चाई तो ये है कि क्या उनको ये नहीं पता था कि देश की आवश्यकता क्या है? हमारे यहाँ ऐसे बड़ी संख्या में घर थे जिनके पास शौचालय तक नहीं था, और हम 60 साल के 70 साल के स्वतंत्रता के को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए थे। बिजय जी, मैं आपको बिजय जी दोनों तरह से संबोधित हैं, उनका नाम बिजय शंकर शास्त्री है। पढ़ने वालों को लगता है कि ये बंगाल से होंगे पर वाराणसी से हैं। वाराणसी जो है वो आप जानते हैं संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। मैंने जब हमारे कह दिया तो ये पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं, ये भी एक सवाल उठ जाता है। पर जैसी बात हम कर रहे थे उसको लेकर मैं आपके पास वापस आऊँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी का जो स्टैंड है, जो इमेज है पब्लिक में, जैसे कि GST को लागू करने को, जैसे कि नोटबंदी को लागू करने को, तो जब आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे होते हैं, कुछ उद्यमियों की तरह तरह के विचार आते होंगे, पर उसकी तरफ मैं जाऊँ उससे पहले मैं रोहित जी को एक बार फिर से इस बात की बधाई देते हुए कि उन्होंने एक दूर दृष्टि रखते हुए पहले से देख लिया कि क्या संभावनाएं हैं नेतृत्व की, प्रधानमंत्री जो अब है नरेंद्र मोदी जी के अंदर। तो 2010 जब आपने लॉन्च की मोदी फॉर PM वेबसाइट, तो
क्या ये इमोशनली डिसीजन लिया गया था या इसमें कुछ पॉलिटिकली करेक्टेडनेस भी थी? दोनों थी। युवाओं में देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी और किस तरह देश के लिए वो अपना योगदान दे सके। अब हर कोई तो सेना में जाके युद्ध नहीं लड़ सकता देश के लिए, हर कोई खेलों में पदक नहीं जीत सकता, पर हमने सोचा कि तरीका और है, देश में सही राजनीति को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे राजनेता को आगे लाया जाए जो देश हित में कार्य कर सके, कठोर निर्णय ले सके। और मोदी जी का जो कार्यकाल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में था वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था हमारे लिए कि उनके जैसा राजनेता कोई आगे आता है तो देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही सोच के साथ हमने अपने कार्य को आगे बढ़ाया, तो उसमें एक राजनीतिक समझ थी जो हमारी थोड़ी बहुत, उसको हमने जोड़ा और साथ में एक देश के लिए कुछ करने का जो इमोशन था उसका भी समावेश किया। तो इमोशन नहीं हो तो क्या है कि जीने का मज़ा नहीं आता है, और इमोशन होता है तो मनुष्य किसी न किसी रचनात्मक माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त किए बिना रह नहीं सकता है। तो विजय शंकर शास्त्री जी जो हैं वो लेखक के रूप में, फिल्म निर्माता के रूप में, निर्देशक के रूप में, टेलीविजन धारावाहिक के रूप बनाने वाले के रूप में भी सक्रिय रहे, वो वाला जो आपका व्यक्तित्व का आयाम है थोड़ा हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। कैसे शुरुआत हुई, पहले आपने क्यों सोचा कि मुझे फिल्म बनाना है, लिखना पर्याप्त नहीं है, राजनीति पर्याप्त नहीं है? देखिए ये तो सच बात है कि शुरुआती दिनों में मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं था और मैं राजनीति से बहुत दूर भी था। हालांकि मेरा पॉलिटिकल परिवार था, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, मेरे ब्रदर वो भी पॉलिटिक्स में थे, पर मैं इन सब चीज़ों से दूर था और मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मैं चाहता था कि देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जो हमारी बुनियादी जो देश की समस्या है उसका समाधान निकले। और ये भी मैं देखता था बड़े करीब से कि समस्याओं को कोई उसका सलूशन ही देना नहीं चाहता था बल्कि उन समस्याओं का लाभ लेना चाहते थे अपने पॉलिटिक्स और अपने सामाजिक जीवन में अपने स्व के उत्थान के लिए। मुझे ये कहीं ना कहीं खलता था क्योंकि मैंने उस समय निसंदेह मैं एक स्वयंसेवक हूँ, संघ से मेरा रिश्ता नाता रहा है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिटरेचर को हमने पढ़ा था, उनका स्पष्ट यही संदेश था कि देश हित के समक्ष स्वहित का त्याग कर देनी चाहिए। पर हमने राजनीति में देखा, सामाजिक कार्यकर्ताओं में देखा कि वो स्वहित के आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। टैग तो लगाते थे समाज हित का, देश हित का, पर वो उनका सब कुछ उनके स्वहित तक ही समाप्त हो जाता था। मुझे याद है कि हमारी भी पार्टी में कई बांकों की देवतू लेकारी करता, तो कभी कभी मैं सोचता था कि हमारे कार्यकुल्य कैसे हुए, क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य तमाम हमारे देश में अनेकों पार्टियां उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक देवतुल्य क्यों नहीं है। और जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे बहुत कुछ मिला समझने सीखने के लिए कि वास्तव में देवताओं का कार्य क्या होता है, समाज का उत्थान करना, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कार्य है, राष्ट्र का उत्थान करना, समाज का उत्थान करना। देखिए ये अंतर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि वो अपनी पार्टी का उत्थान चाहते हैं, वो अपनों का उत्थान चाहते हैं और अपना उत्थान, पर देश का उत्थान किसी भी कीमत पर वो मैं देखता हूं कि उसको इग्नोर करने में एक क्षण भी नहीं लगाते उनके बड़े से बड़े नेताओं। देखिए आपकी बात से मैं वहां पहुंच गया जहां आपको पॉलिटिकली करेक्ट और इमोशनली करेक्ट होने के बीच में चुनना पड़ेगा। आपने एक ब्लैंकेट सर्टिफिकेट दे दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और एक ब्लैंकेट निगेटिव सर्टिफिकेट दे दिया कांग्रेस वालों को, जो मुझे लगता है कि अगर आप ठीक से जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कांग्रेस में कुछ तो अच्छे लोग हैं ही हैं और बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सुर्खियों में ऐसी खबर के साथ पहुँचे हैं जिससे कि भारत से प्रेम करने वालों को शर्म आ जाए, बल्कि उस पूरे संदर्भ का विस्तार से मैं उल्लेख न करते हुए संकेत रूप से आपको बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जहाँ एक और आप देवतुल्य कार्यकर्ता का संबोधन दे रहे हैं उसमें से एक इस तरह के विधायक निकले जिन्होंने कि वो जघन्य कृत्य किया
जो भारत में जब हम महिलाओं को देवी के रूप में पूजने की बात करते हैं, तो और उसके बाद के भी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा वो कोई थ्रिलर ऐसा जो कि निगेटिव और डार्क हो रहा। ठीक है, उस पर मैं जरूर बताना चाहूँगा और क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जिस बीजेपी के विधायक की बात की जा रही है उनके संदर्भ में ये सर्वविदित है कि उनका ओरिजिन क्या रहा है और हमारी पार्टी में आए। हमारी पार्टी में बहुत सारे दलों के लोग आए। वो क्यों आए? क्योंकि वो हमारे सिद्धांतों से, हमारी पार्टी के जो एजेंडा से उनको तालमेल किया उन लोगों ने। कुछ लोग हमारे यहाँ रच बस गए, हमारे सिद्धांतों को मानने लगे, और हम तो कभी कभी ये लगता है कि हमसे भी अच्छा उनमें पार्टी का गुण पैदा हुआ। लेकिन कुछ ऐसे थे जो रिजेक्ट होते चले गए, वो रच बस नहीं सके, और अंततोगत उनको वो जहाँ जाना चाहिए वहाँ का उनको रास्ता दिखाया जा रहा है। तो यह सच बात है कि मेरी पार्टी के वो एक विधायक थे, पर जो उन्होंने कुकृत्य किया वो उस कुकृत्य को हमारी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, अंततोगत बाहर जाना पड़ा। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे आज बहुत महत्वपूर्ण लोग हमारी पार्टी में आए हैं और आज वो हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ आत्मसात करके बिल्कुल पार्टी के लाइन पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं और वो डिलीवरी दे रहे हैं। आज देखिए देश में केवल सत्ता नहीं बदला है बल्कि व्यवस्था बदली है। मोदी जैसे नायक जब आए हैं तो उन्होंने देश को एक रास्ता दिखलाया है। तो और 21वीं सदी में देश आया था। आप देखिए ना, 21वीं सदी की तैयारी भी हमारे देश में थी क्या? लेकिन 21वीं सदी तो आई। तो आज मोदी जी ने जो ग्राउंड वर्क किया है वो 21वीं सदी में जाने की जो तैयारी पहले की जानी चाहिए थी 50 साल पहले, उस तैयारी को उन्होंने पूरा किया। और अब उसके आगे का एक जो 21वीं सदी की मीनार खड़ी की जाएगी, भव्य मीनार, उसका बुनियाद तैयार किया है 5 साल में। इससे मुझे ना वो आप अन्यथा न लें, पर मुझे वो इलेक्शन कैंपेन के समय 2014 में जिस तरह से माउंट हुई थी कैंपेन, जो वहाँ था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो बहुत आपने कई बहस जो टेलीविज़न पर भारत में होती रही तो कई बार ये प्रश्न आता रहा हुआ कि अच्छे दिन कहाँ गए, अच्छे दिन कब आएंगे इत्यादि। पर मैं और फिर आऊँ उससे पहले, सोशल मीडिया का जो रोल रहता है इमेज बिल्डिंग में, इंडिविजुअल की नहीं पॉलिटिकल इमेज की भी बात करें, एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रोहित गंगवाल जी, जो ऐसी डैमेजिंग सिचुएशन आती है पार्टी के सामने, या चाहे वो कांग्रेस के सामने हो चाहे बीजेपी के सामने हो, हम अगर तटस्थ रूप से ऑब्जेक्टिवली देखें तो सोशल मीडिया का रोल सेल्फ इवॉल्विंग है इमेज को एक खास रंग देने में, या इसके पीछे आपके आपके जैसे कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर भी बैठे होंगे, तो आम आदमी को ठीक से पता ही नहीं कि क्या सही है क्या नहीं। सोशल मीडिया का सही रूप तो सेल्फ इवॉल्विंग ही होना चाहिए, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो नहीं हो रहा है। जैसे आपने बोला कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, और उसके काफ़ी उदाहरण भी हैं, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। सार यही है, जिस तरह से अभी एग्जांपल लें धारा 370 को लेकर ही, जिस तरह से सोशल मीडिया में उसको लेके गलत तरह की सूचनाएं फैलाई जा रही है, वो ना केवल भारत में पर पूरे विश्व में भारत के प्रति एक नेगेटिव इमेज बना रहा है। तो इसके काउंटर वेव्स क्यों नहीं जनरेट हो रही? नहीं हो रही है, पर क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ जल्दी पकड़ में आती है, राइट? आपको उसको क्लियर करने में, उसको उसकी सफाई देने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जो लोगों के दिमाग में जो पहला परसेप्शन आता है वो नेगेटिव परसेप्शन आता है। तो उसी का कैसे उसको रोका जाए वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और हम उस पर हमारी टीम लगातार काम करती रहती है। हमारा उद्देश्य यही है कि सोशल मीडिया का जो वास्तविक रूप है, जिस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए, वो उस तरह से उपयोग हो, सेल्फ इवॉल्विंग। तो सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह से, उसके बारे में आप भी चिंतन करें, हम थोड़ा रोहित जी से भी बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इतने समझदार, इतने अनुभवी राजनेता ऐसे युवाओं की बात क्यों सुनते हैं। जैसे कि घर में बच्चा होता है उसको पता लग जाता है
कि ऐप कैसे काम करेगा, वो पापा को आके बता देता है। तो क्या वैसी कुछ स्थिति है कि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो कि एल्गोरिथम को देख के किस तरह से धारा किस दिशा में बहेगी उसके बारे में कुछ संकेत दे पाते हैं? उस चर्चा पर जाने से पहले फिर एक बार शास्त्री जी आपसे मेरा ये अनुरोध है कि बात आपने जब पहले की थी देवतुल्य की, तो मेरे स्मृति में गांधी जी द्वारा जो शब्द प्रयोग किया गया हरिजन, वो भी एकदम कौंध गया। हरि का जन ऐसा मतलब अपने आप में पवित्रता वाली बात है, पर उस हरिजन शब्द को लेके और जो दलित समाज के एक खास रूप के कार्यकर्ताओं के साथ उस, तो ये जो दलित राजनीति भी अक्सर एक अलग अपना उसका बढ़ गया, उसके बारे में भी लिखी है। तो मोदी जी का और जो भारत की दलित राजनीति है, जिसमें मैं आपकी अनुमति लेके धारा 370 के बारे में अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रद्रोही हैं तो ही वो इस 370 को स्वीकार करेंगे, तो क्या यही कमोबेश सेंटिमेंट आज जो हमारा दलित समाज भारत में उसमें पाया जाता है या बदल गए? देखिए, जहाँ तक दलित की बात है और महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया हरिजन शब्द की बात है, ये शब्द तो ऐसे शब्द भारत में हो गए हैं कि एक बड़ा विशाल वर्ग खड़ा हो गया है जो दलित शब्द या हरिजन शब्द पर ऑब्जेक्शन भी करता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो दलित शब्द के बारे में उसकी प्रॉपर मीनिंग तक नहीं जानते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, इसमें मुझे कोई दोष नहीं नज़र आता है। देखिए, दलित समस्या है क्या भारत की? क्या वो आर्थिक समस्या है? क्या वो राजनीतिक समस्या है? क्या वो शैक्षणिक समस्या है? क्या वो सामाजिक समस्या है? ये चार प्रकार की जो मुख्य रूप से समस्या है, उसमें कौन सी समस्या है दलित समस्या? एक दलित मैं एक सेकंड लूंगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, इस पर पूरा देश को क्लियर होनी चाहिए और दुनिया को भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का भी इंटरवेंशन हमारे यहाँ दलित इशू को लेकर के होने लगा है और वो बहुत खतरनाक चीज़ है। देखिए, दलित जो लोग हैं उनको अगर एक दलित को मान लीजिए आप 100 करोड़ का उसका बिजनेस हो जाए और 100 करोड़ का स्वामी हो जाए, तो क्या दलित समस्या खत्म हो जाएगी? उनको पैसे वाला दलित कहा जाएगा। एक दलित व्यक्ति अगर बहुत बड़े पदों पर चला जाए, IAS IPS, तो दलित अधिकारी कहा जाता है। एक दलित व्यक्ति अगर कितना शिक्षा ग्रहण कर ले, डॉक्टर हो जाए, तो प्रैक्टिस के लिए जब सोसाइटी में आता है तो उसको दलित डॉक्टर, दलित इंजीनियर कहा जाता है। यानी कितना भी विकास दलित समाज का व्यक्ति कर ले, राष्ट्रपति बन जाए तो दलित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति भी दलित होने लगा। आप सोचिए, समस्या का कहीं समाधान हुआ? जबकि विकास की तो कोई सीमा नहीं रह गई। तो आज देश में यही नहीं पता चल रहा है लोगों को कि दलित समस्या है क्या। इनफैक्ट दलित समस्या आर्थिक समस्या नहीं है, राजनीतिक समस्या भी नहीं है, शैक्षणिक समस्या भी नहीं, ये सामाजिक समस्या है। यानी उनके पास कौन कोई ऐसी ताकत है सामाजिक रूप से जो नहीं होने के कारण उनको दलित लो या सोसाइटी में निम्न कहा जाता है। वो ताकत उनको कैसे मिले? हमने आर्थिक ताकत देने की कोशिश किया, शैक्षणिक ताकत तो दे दिया, पद राजनीतिक ताकत भी दे दिया, पर सामाजिक ताकत तो मिला ही नहीं। और मेन तो रोग सामाजिक है, तो जब तक सामाजिक ताकत का ट्रांसफर दलितों में नहीं होगा तब तक दलित समस्या का समाधान नहीं होगा। इस बात को हमारे नेता मोदी जी कर रहे हैं, वो कैसे दलितों को सामाजिक ताकत मिले। सोसाइटी में बराबर वंचित शब्द भी चल रहा था दलित को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि वंचित का अर्थ होता है मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं से वंचित हो जाना। तो एक ये मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों से तो ब्राह्मण भी वंचित हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, लेकिन क्या एक ब्राह्मण दलित हो सकता है? क्या एक क्षत्रिय दलित हो सकता है? इसलिए ये शब्दों का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि समस्या क्या है और उसका सही डायग्नोसिस इलाज होनी चाहिए। सामाजिक ताकत दलितों में कैसे जाए, आर्थिक ताकत छोड़ दीजिए, ये सब सारी ताकत ये सब मिलने के बाद भी वो दलित का दलित रहता है। मैं आपसे अनुमति लेके, और सामाजिक ताकत के अलावा एक और आयाम है जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से समाज की व्यवस्था का
कहीं ना कहीं मूल जुड़ा हुआ है। और आमतौर पर आपने भी ऐसा सुना होगा, आपने जानबूझकर या तो वो प्रयोग नहीं किया शब्द अभी, सामाजिक व्यवस्था के पीछे जो एक धार्मिक मान्यता है, और उसमें भी विशेष रूप से जो दलित समाज के संदर्भ को लेते हुए जो हिंदुत्व की अवधारणा है, उसके ऊपर दोषारोपण होता है, सही है या गलत है वो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। पर इसका जवाब दूंगा, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं एक मिनट इनको भी हमारे साथ हैं इसका लाभ लेते हुए। एक ऐसा अवसर हुआ हाल ही में वाराणसी में, आपके ही क्षेत्र में, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने दलित समाज की महिला हैं उनके पाँव धोए, ऐसा आपने सुना होगा। तो सोशल मीडिया इस तस्वीर को लेके अपने कमेंट्स के साथ दोनों तरह के भाव जगा सकता है और जगाए भी गए थे। वो आपको पता है कि क्या ऐसा करना चाहिए ताकि जिस भाव से उन्होंने वो चरण प्रक्षालन किए वही मीडिया में लोग मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करें। देखिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली है आपने कि भाव, कितने पवित्र भाव से उन्होंने वो चरण प्रक्षालन किए थे, और उसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे एक अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा आगे बढ़ेगी। उसका नेगेटिव परसेप्शन लाना केवल अपोजिशन की खोखली मानसिकता दर्शाता है। इतना अच्छा भाव, इतना पक्ष विपक्ष छोड़िए, सोशल मीडिया क्या करे, सोशल मीडिया में भी वही होना चाहिए। जो अपोज कर रहे हैं सोशल मीडिया में वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप कुछ अच्छी चीज हो रही है, कोई अच्छे भाव हो रहे हैं, उस भाव का प्रदर्शन अच्छी भावना से हुआ है तो उसे अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ाइए। उसमें नेगेटिव परसेप्शन क्यों लाना है, उसमें नकारात्मक भाव और कमेंट्स की क्या जरूरत है? सर रोहित जी, क्या जरूरत है इसका उत्तर तो मेरे पास भी है, आपके पास भी, और जो देते हैं उनके पास भी है। पर बात आपने एक बहुत मार्के की जो कही है वो इंटेंशन की बात, इंटेंट क्या है आपका। तो अब दलित समाज के संदर्भ को लेते हुए, जिसके बारे में आपने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, आपने हिंदुत्व का भी अध्ययन बहुत गहराई से किया, तो थोड़ा संक्षेप में, हालांकि विषय विस्तार मांगता है, संक्षेप में बताएं कि ये विपक्ष की तरफ से भी जब आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है तो ब्राह्मणवाद को पनपा रहे हैं, कहीं ये बात आ जाती है, कहीं हिंदुत्व को लेकर, तो उसे जो अल्पसंख्यक समाज है या माइनॉरिटीज़ हैं वो पीछे रह जाएंगे। एक तो ये संदर्भ है, और दूसरा वो संदर्भ जिसकी चर्चा हम पहले करे थे, आपने कहा कि ये सामाजिक समस्या है, मैं कहता हूँ कि ये धार्मिक भाव को गलत समझ लिए जाने की समस्या है। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक दलित समाज के संदर्भ में जो मान्यताएं हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकर को, बहुत बड़ा विषय है, मैं संक्षिप्त में इसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को ले लीजिए, उन्होंने, उनको कोट किया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जला दिया। ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है, स्कॉलर्स जानते हैं, पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी मनु को रिटेन क्लीन चिट दिया है। 1948 में उन्होंने एक किताब लिखा दी अनटचेबल, उसके पेज नंबर 100 पर उन्होंने लिखा कि देर वॉज नो अनटचेबिलिटी इन मनुईरा सुद्राज एंड अंतेज वॉज नेवर अनटचेबल इन इंडिया। यानी आप कल्पना करिए कि जिस मनु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, उसी मनु को रिटेन क्लीन चिट भी अंबेडकर जी ने दिया कि मनु के कालखंड में कोई छुआछूत नहीं था। देखिए मनुस्मृति की बात ले लें तो किस तरह से पॉल्यूशन फैलाया गया है जानबूझ करके हिंदू समाज के प्रति, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मनुस्मृति के अध्याय 2 के एक श्लोक को मैं कोट करूँगा, उस श्लोक को सुन करके दुनिया को यही लगेगा कि ये श्लोक तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा होगा, मनु ने नहीं। वो श्लोक है, विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठम क्षत्रियानाम तु वीर्यते वैश्यानाम धनधानत शूद्राणाम मेव जन्मत। यानी ब्राह्मण विद्या से श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ होता है, वैश्य धन से श्रेष्ठ है, और शूद्र जन्म से श्रेष्ठ होता है। तो इसका एक मतलब तो ये भी निकलता है कि ब्राह्मण होते क्योंकि उनका उपनयन संस्कार होता है, और उपनयन 5, 7, 9, 11 की एज में होता है। उपनयन का उनके बाद वे द्विजत्व को प्राप्त करते हैं, यानी द्विज कहे जाते हैं। द्विज का मतलब दूसरा जन्म, यानी श्रेष्ठता। लेकिन शूद्र का तो उपनयन नहीं होता था, और शूद्र को द्विज नहीं कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो तो जन्म से ही श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठता की आवश्यकता नहीं।
तो इस तरह की अनेकों ऐसी बातें हैं जो हमारे शास्त्रों को बिल्कुल गलत साबित करने की कोशिश की गई। एक उदाहरण और दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस कार्यक्रम का ये एक चर्चा होगा दुनिया में। जैसे एकलव्य को, एकलव्य के बारे में दुनिया क्या जानती है? यही जानती है ना कि वो एक दीनहीन आदिवासी बालक था और द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया। ये बिल्कुल गलत है। महाभारत पर्व में आप जाकर के देखें, स्वयं एकलव्य ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि वो मगध के राजा जरासंध, यानी मगध का मतलब एक हस्तिनापुर दिल्ली और मगध का मतलब बिहार का पटना, तो मगध का राजा जरासंध। और जरासंध कौन था? ये वही था जो मथुरा पर अटैक करने जा रहा था, तो कृष्ण को मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा था, भागना पड़ा था, ये शब्द लिखा गया है। तो मगध के राजा जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का इकलौता बेटा एकलव्य था, मींस एकलव्य वॉज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमें क्या बताया जाता है कि वो एक दीनहीन आदिवासी बालक था, उसका अंगूठा काट लिया गया। उसका अंगूठा कटा था लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि उसने वरदान मांगा था द्रोणाचार्य से कि हमें अर्जुन के बराबर बना दिया जाए। और द्रोणाचार्य को पता तो व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन अर्जुन एंड एकलव्य, उन्होंने वो केवल इतना कि अर्जुन लेफ्ट हैंडर था। शास्त्री जी, मैं आपसे क्षमा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि समय मुझे अनुमति नहीं देता कि इस ज्ञान के प्रवाह का हम और अधिक आनंद आज के कार्यक्रम में ले पाएं, पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस तरह के मनीषी राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं हमारे भारत में, जो सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, लिखते भी हैं, और अपने लिखे हुए को कई रचनात्मक माध्यमों से आगे तक पहुँचाने का एक समर्पण रखने वाले हमारे शास्त्री जी विजय शंकर जी, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बातचीत खुली रहने से एक लाभ ये होता है कि हमारा चिंतन जारी रहता है, और ये चिंतन जारी रखने में रोहित जी आपने भी बहुत हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद है। इन दोनों का धन्यवाद करते हुए, इन दोनों के साथ भारत के स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं और जय हिंद आप तक पहुँचाते हुए आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को।